तो वहीं 18 अगस्त को छिंदवाड़ा में राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर रहेगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के दौरे पर जा रहे हैं। बता दें कि 13 साल पहले कमलनाथ के बुलावे पर चुनावी शंखनाद फूकने सिंधिया छिंदवाड़ा आए थे और अब 13 साल बाद बतौर बीजेपी नेता सिंधिया छिंदवाड़ा का दौरा करेंगे। वहीं जब सिंधिया छिंदवाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं और खासतौर पर युवा नेताओं में खास जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी सिंधिया के विरोधी विरोध करने के फुल मूड में नजर आ रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी की कर्मभूमि में स्वागत है, और अगर वो आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी बड़े केंद्रीय मंत्री भी बने हैं वो, और आने के बाद छिंदवाड़ा मॉडल देखें और सीखें कि विकास कैसे होता है, ताकि वापस जाकर अपने क्षेत्र का सही तरीके से विकास कर पाए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के स्वागत के लिए संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही तैयार है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध हमारे द्वारा सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सत्यता के प्रतीक के सूर्य को उगने के लिए किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पूरी रात काट के सूर्य उगता है। उसी प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी वास्तव में कार्य किया कि उन्होंने विरोध किया झूठ का, उन्होंने विरोध किया भ्रष्टाचार का, उन्होंने विरोध किया अपनी वादा खिलाफी की उस सरकार का। हमें भी अभी कार्यक्रम मिला है और उनके आने की खबर सुनते ही और भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिले के कार्यकर्ताओं में एक जोश व्याप्त है। सभी युवा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, भारतीय जनता युवा मोर्चा के हों, सभी युवा उत्साहित हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे लोकप्रिय नेता, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनके स्वागत करने के लिए पूरे जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आतुर हैं। केंद्रीय मंत्री और अब भाजपा के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ पहुंचने वाले हैं। ठीक 13 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया छिंदवाड़ा आए थे, पर उस टाइम वो बतौर कांग्रेसी नेता के आए थे, और अब जबकि वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उड़ीयन मंत्री वो बनाए गए हैं, इस बार वो अब केंद्रीय मंत्री के तौर पे छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वही हैं जिनकी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार मार्च 2020 में गिर गई थी। तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके गढ़ पहुंचेंगे तो राजनीतिक पारा ज़रूर जो है वो चढ़ने वाला, ये देखने वाली बात होगी कि जब वो छिंदवाड़ा पहुंचेंगे तो राजनीति किस करवट बैठती है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो पुरजोर विरोध करने वाली है, कांग्रेसी कार्यकर्ता छिंदवाड़ा में उनका विरोध करेंगे। वहीं जो भाजपा के नेता हैं उनके अंदर भारी उत्साह है, भारी जोश है अपने नेता का स्वागत करने के लिए। मैं छिंदवाड़ा के उस दशहरा मैदान में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर आज से 13 साल पहले यहाँ पर एक शंखनाद हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में शंखनाद किया गया था, जब ये संकल्प लिया गया था कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में दोबारा बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार बनी, 2018 में चुनाव हुए और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ये सरकार गिर गई। तो एक शायर का शेर मुझे याद आ रहा है कि सिर्फ खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। हालांकि ये लोग दुश्मन तो नहीं है पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी अब जरूर बन चुके हैं। तो अब ये देखना होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचते हैं तो राजनीतिक पारा कितना चढ़ता है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के।